दोस्तों गर्मी आ चुकी हैं। गर्मियों में ना सिर्फ हमारे चेहरे पर टैनिंग होती है बल्कि पूरा का पूरा जो शरीर होता है वो टैन हो जाता है। शरीर पर बहुत कुछ करने के बाद भी स्किन जो है वो वापस से रिजुविनेट नहीं कर पाती है, क्योंकि स्किन के नीचे जो लाइव सेल्स होते हैं वही कहीं ना कहीं जा करके बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर जल जाते हैं। सो बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी स्किन को प्रोटेक्शन तो दें एक अच्छे सनस्क्रीन के माध्यम से, लेकिन जब स्किन जल जाए तो उसे रिजुविनेट भी करें, क्योंकि अगर स्किन को हम रिजुविनेट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पर जो हमारी स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट होती जाएगी, परमानेंट काली भी हो सकती है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एक DIY बॉडी वाइटनिंग लोशन के बारे में। ये लोशन आपको रोज अपने शरीर पर दिन में 2 बार लगाना है, सुबह नहाने के बाद और रात को भी नहाने के बाद, मतलब सोने से पहले। तो इस तरीके से जब आप इसे दिन में 2 बार लगाओगे तो ये आपकी स्किन के अंदर जो टैनिंग आ गया है, जो ब्लैकनेस आ गया है, जो बर्निंग इफेक्ट आ गया है उसे रिजुविनेट करेगा और उसे रिजुविनेट करके हमारी स्किन को वापस से बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगा। साथ ही साथ हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि हम सनस्क्रीन भी प्रॉपर यूज़ करें, क्योंकि सनस्क्रीन ही एक वो चीज़ है जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। तो सुबह जब आप नहाने के बाद इस DIY बॉडी वाइटनिंग लोशन को लगाओगे तो आपको इसके ऊपर एक अच्छा सनस्क्रीन ज़रूर लगा लेना है, ताकि अंदर ये लोशन आपकी स्किन को वाइटनिंग देता रहे और ऊपर से कोई भी सनस्क्रीन आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता रहे। सो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बट आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक कमेंट ऑफ द डे लेते हैं, जो कि हम ले रहे हैं FGaming2086 से। FGaming2086 का ये कहना है कि वो पिछले 1 महीने से हमारे वेलनेस बीट के ब्यूटी विटामिन्स का इस्तेमाल कर रही हैं और इसकी वजह से इनको 1 महीने के अंदर ही इनके स्किन पे बहुत ज़्यादा चमक और बहुत ज़्यादा शाइन दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच FGaming2086। एक्चुअली मुझे पता है कि आपका रियल नाम नहीं है, रियल नाम क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमें कमेंट्स में दिखाई दिया वो मैं यहाँ पर आपको रीड करके बुला रहा हूँ। तो इसी तरह के पॉजिटिव फीडबैक्स अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स के साथ में मिल रहे हैं तो मेक श्योर हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएगा। हो सकता है कि अगले वीडियो के अंदर कमेंट ऑफ द वीक आपका हो या कमेंट ऑफ द डे आपका हो। सो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को और सीखते हैं DIY स्किन वाइटनिंग लोशन के बारे में। दोस्तों इस DIY स्किन वाइटनिंग लोशन को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है बेस। बेस मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि एक्चुअली स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग देने के लिए प्रूवन हो। स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग देने के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली एविडेंस पर आधारित जो नेचुरल हर्ब है ना वो है लिकरिश, जिसे हम मुलैठी कहते हैं। तो मुलैठी का पाउडर हमें यहाँ पर लेना है लगभग 4 चम्मच। ये 4 चम्मच मुलैठी का पाउडर जो है ये हमें 1 ग्लास पानी के अंदर रात को भिगो करके रख देना है और जब ये बहुत अच्छे से भीग जाएगा तो सुबह हमें इसे इसी पाउडर के साथ में उबालना है। तब तक उबालना है जब तक कि ये आधा नहीं रह जाता। जब ये आधा रह जाए अब आपको इसे कपड़े की मदद से छानना है। याद रखिएगा आपको इस मुलैठी पाउडर को अलग करने के लिए इस पानी से कपड़े का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप छलनी का इस्तेमाल करोगे तो इसके अंदर पाउडर भी आ जाएगा और जब आप इसे लगाओगे तो उसके ऊपर वो पाउडर दिखाई देगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा मुलैठी का एक्स्ट्रैक्ट। मुलैठी का एक्सट्रैक्ट जो है वो लगभग आपको यहाँ पर मिलेगा 1/2 कप के आसपास, मतलब कि 10 चम्मच के आसपास। तो इस 10 चम्मच मुलैठी के लिक्विड के अंदर या एक्सट्रैक्ट के अंदर आपको लगभग 10 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है। ये जो 10 चम्मच एलोवेरा जेल है ये याद रखिएगा कि प्लांट से आपको नहीं लेना है। अगर आपको प्लांट वाला एलोवेरा जेल सूट होता है और आपको पता है कि हाँ ये मुझे सूट होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं देता, उस कंडीशन में आप प्लांट वाला ले लो। लेकिन अगर आपने कभी भी एलोवेरा जेल ट्राई नहीं किया है या आपने ट्राई किया और आपको साइड इफेक्ट्स आते हैं, रैशेज आते हैं, रेडनेस आ जाती है, दाने आ जाते हैं, स्किन सेंसिटिव हो जाती है, तो हमेशा आप मार्केट्स में मिलने वाला ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल ही इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको स्किन अफेयर्स के 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल को परचेज करने का लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे ईजिली परचेज कर सकते हैं। सो 10 चम्मच हमने एलोवेरा का जेल लिया है, 10 चम्मच हमें मुलैठी का एक्सट्रैक्ट मिला है। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। तीसरी चीज जो हमें इसके अंदर मिलानी है वो है विटामिन ई के, या तो कैप्सूल्स मिला लो। तो अगर आप कैप्सूल्स मिला रहे हो तो 10 कैप्सूल्स मिलाओगे, और अगर आपके पास में विटामिन ई का ऑयल है तो आप 1 पूरा चम्मच विटामिन ई का ऑयल मिलाओगे।
विटामिन ई जो है ये हमारी स्किन को रिजुविनेट करता है, हमारी स्किन के ऊपर जमी हुई जो काली परत होती है, मैल की लेयर होती है, उसे निकालता है, और साथ ही साथ में ये हमारी स्किन को रिजुविनेट करके नीचे से नई कोशिकाओं को ऊपर लाने में, बाहर लाने में हमारी मदद करता है। तो ये लगभग हमने 10 कैप्सूल लिए या फिर एक चम्मच विटामिन ई ऑयल लिया, अच्छे से मिला दिया। चौथा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसे हमें किसी भी तरीके से स्किप नहीं करना है, और वो आती है विटामिन सी की टैबलेट्स। विटामिन सी की टैबलेट लिम्सी के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगी, बहुत आराम से अवेलेबल है। 20 टैबलेट्स को आपको चूरा कर लेना है, मतलब कि उसे कूट करके उसका पाउडर बना लेना है, और पाउडर बना करके उस पाउडर को आपको इसके अंदर डाल देना है। विटामिन सी के बारे में मुझे शायद ही आपको बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है कि ये एक स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग और स्किन टाइटनिंग एजेंट है जो हमारी स्किन पर लगने के बाद हमारी स्किन के अंदर दबी हुई जो नई कोशिकाएं उन्हें बाहर निकालता है, रिजुविनेट करता है और स्किन को रिवाइटलाइज करने में हमारी मदद करता है। इन चारों चीज़ों का अच्छे से मिला लीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुलेठी एक्सट्रैक्ट था 10 चम्मच, 10 चम्मच एलोवेरा जेल था, 1 चम्मच विटामिन ई का ऑयल था या 10 कैप्सूल विटामिन ई के थे, और लगभग 20 टैबलेट्स का चूरा हमने विटामिन सी टैबलेट्स का मतलब लिम्सी का लिया है। इन चारों को मिला लीजिए, लीजिए आपका स्किन वाइटनिंग DIY लोशन बनकर के तैयार है। इसे आप दिन में 2 बार लगाएंगे, और दिन में 2 बार लगाने के बाद जब सुबह आप लगा रहे हो तो सनस्क्रीन लगाओगे, रात को लगा रहे हो तो आपको इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना है। इस प्रोसेस को 2-3 महीने कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी चीज, मैं हमेशा कहता हूं कि जो ब्यूटी है वो हमेशा अंदर से आती है ना, बाहर से लगाई गई चीज़ें फ़ायदा देंगी, बट वो 60-40 का रेशो होता है, मतलब 40% बाहर से लगाई गई चीज़ें, 60% अंदर से खाई गई चीज़ें। तो अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन ब्लैक है, आपकी स्किन में स्किन बर्निंग इफेक्ट आ गया है, स्किन में बहुत ज़्यादा टैनिंग या सनबर्न हो गया है, उस कंडीशन के अंदर आप ग्लूटाथायोन कैप्सूल्स को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। ये जो ग्लूटाथायोन कैप्सूल्स होते हैं ये आपकी स्किन के एक्चुअल जो कलर है उसको 2-3-4 शेड तक लाइट करने में आपकी मदद करते हैं। ये जो मैं 2-3-4 बोल रहा हूँ ये डिपेंड करेगा आपकी बॉडी उस ट्रीटमेंट के लिए, मतलब ग्लूटाथायोन कैप्सूल के लिए कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो बहुत ज़रूरी है एक नेचुरल ग्लूटाथायोन का सिलेक्शन करना ताकि आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को सिर्फ फायदे हों, कोई भी नुकसान ना हो। दूसरी बात, जब भी आप ग्लूटाथायोन कैप्सूल लेते हो उसके साथ में विटामिन सी होना ज़रूरी है आपकी डाइट में, ताकि ग्लूटाथायोन ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो। इन दोनों ही चीज़ों की वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको वेलनेस बीट का ग्लूटाथायोन कैप्सूल लेना चाहिए, जो कि 500 mg का एक कैप्सूल है। एक कैप्सूल सुबह आपको लेना है, एक कैप्सूल शाम को लेना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद। इस वेलनेस बीट के जो ग्लूटाथायोन कैप्सूल है इसमें ऑलरेडी विटामिन सी इंक्लूडेड है, तो आपको बाहर से विटामिन सी अलग से नहीं लेना पड़ता, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसे भी चेक करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा। मेक श्योर पहले आप जाओ, एक्सप्लोर करो, रिव्यूज़ पढ़ो, बेहतर लगे तो उसके बाद आप ट्राई करो, क्योंकि आपका ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका ट्रस्ट आता है अपने आप आपकी बॉडी रिजुविनेट होने लगती है, रिजल्ट्स देने लगती है, और अगर किसी अच्छी चीज़ के लिए भी अगर हमारा ट्रस्ट नहीं है तो रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो बहुत जरूरी है ट्रस्ट होना, ट्रस्ट के साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड होना, ताकि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। सो दोस्तों, बनाइए इस DIY स्किन वाइटनिंग लोशन को, साथ के साथ ग्लूटाथायोन को ऐड कीजिए, और कर लीजिए आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइट, ताकि आप भी अपने कॉन्फिडेंस के साथ में इस सोशल सोसाइटी को बहुत अच्छे से फेस कर सकें। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आप सलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।